हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स। एंड मैं ज़ेनिया हर गुरुवार की तरह हाजिर हूँ मेरे तीन पाइल ऑफ कार्ड्स और मेरे बाबा के साथ। टुडे वी डू नॉट हैव द यस नो कार्ड्स विद अस, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव सम अदर कार्ड्स। एज आई ऑलरेडी मेंशनड इन माय अर्ली वीडियोस दैट आई ब्रिंग द कार्ड्स, द एक्स्ट्रा कार्ड्स दैट आई ब्रिंग देम अकॉर्डिंग टू द मैसेज दैट आई रिसीव फ्रॉम माई स्पिरिट गाइड्स। जो मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझको मैसेज भेजते हैं उसी के हिसाब से मैं जो भी एक्स्ट्रा कार्ड्स लाती हूँ हर रोज़ वो उसी पे बेस्ड रहती है, उसी मैसेज के अकॉर्डिंग मैं लाती हूँ। सो आज यस और नो कार्ड्स नहीं होंगे हमारे साथ, उसके जगह पे कोई और कार्ड्स हैं। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी मुझको लैंडस्केप मूड में वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किए थे और टाइम स्टैम्प के लिए रिक्वेस्ट सेंड किए थे, आज दोनों ही आप लोगों को दिख रहे हैं मेरे वीडियो में। एंड वैसे तो मुझको ऑलमोस्ट 10-11 जन ने मैसेज किया था, बट यूट्यूब में मुझको जो मैसेजेस आए उनमें से मिस्टर पंकज है, उनकी आईडी शायद ग्रेट पंकज है, और प्रियंका है उनकी, मैं टाइट जो सरनेम है वो मुझको अच्छी तरह से याद नहीं, क्योंकि 3-4 प्रियंका है जो लोग मैसेज करते हैं, आई मीन कमेंट करते हैं। एंड अलग से मुझको मेरी एक यूट्यूब व्यूअर है अर्पिता, तो उन्होंने मुझको मैसेज किए थे कि अगर लैंडस्केप मोड में हो जाए और अगर टाइम स्टैम्प्स मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी। तो मैंने आज पूरी मुमकिन कोशिश किए हैं एंड आई बिलीव दैट दिस विल हेल्प यू पीपल टू यू नो सेव योर टाइम। ओके, टाइम टू पॉज द वीडियो, दिमाग को शांत कर लीजिए। फिल द रेजोनेंस, कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले स्पेल्ड क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं। जी हाँ, मैंने आज जो नॉर्मल क्रिस्टल्स हैं उन लोगों को मैंने रिप्लेस किए हैं। पाइल नंबर 1 के ऊपर आप लोग यहाँ पे स्पेल्ड लव क्रिस्टल्स देख सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत सारे स्पेल्ड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, ये भी उनमें का एक है। तो ये लव क्रिस्टल्स है, स्पेल्ड लव क्रिस्टल्स। पाइल नंबर 2 के ऊपर आप लोग एक स्पेल्ड गुड लक क्रिस्टल का बॉटल देख सकते हैं, और पाइल नंबर 3 के ऊपर मैंने एक स्पेल्ड करेज क्रिस्टल की बॉटल रखे हुए हैं। सो फील द रेजोनेंस, कौन से वाले स्पेल्ड बॉटल, कौन से वाले पाइल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए फर्स्ट मैसेज है, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन, दिस इज योर कार्ड। आई होप दिस इज विजिबल, फेस रियलिटी। ओके ओके, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किए हैं और इस कार्ड को ड्रॉ किए है, इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में बिलीव करते हैं, मतलब आप परखते नहीं हैं, जो भी आपके मन को जो भी लुभा जाता है, आपके मन को जो भी अच्छा लग जाता है, आप उसी को सच मान के आगे चलने लग जाते हैं, या तो फिर आप जो भी चकोचौनी जिसको बोलते हैं, लाइक फॉर यू एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, आप उसकी सच्चाई, उसकी जो उसके गहराई तक आप पहुँचते नहीं हो, उसकी जो सच्चाई है उसको आप खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई करियर रिलेटेड कुछ हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, आपको जो ऊपर का जो रोशनी, ऊपर की जो एक शाइन, एक ग्लिटर दिखती है, आप उसी को मानते हो, जो मतलब थोड़ी सी अलग टाइप के बोलूँ तो वट एवर लुक्स गुड इज़ गुड टू यू। आप अगर एक रिश्ते के हिसाब से जाऊँ या फिर अगर एक इंसान या एक जीव को आप जज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जजमेंटल हो आप, एंड अगर आप जज करोगे तो फर्स्ट यू गो बाय द लुक्स, फर्स्ट यू गो बाय द लुक्स एंड द टाइप ऑफ स्टेटस दैट पर्सन बिलोंग, जो उनकी स्टेटस है, उनकी क्या रुतबा है, क्या कैसे वो दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लुभा जाती है। कोई जॉब के लिए भी हो, आप कितना बड़ा ऑफिस है, कितना मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइक कोई आईटी सेक्टर में आपको जॉब मिल जाता है एंड
ऑन द अदर हैंड आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, लेकिन आप मेहनत करो तो आप बहुत आगे तक पहुँच सकते हो. वेयर एज एक आईटी कंपनी, एक रिनाउंड आईटी कंपनी की आपको आपकी जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है, लेकिन उसका उसको आपको सैलरी इतना कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, बट आपको वही जो आईटी की जो आपने इंटरव्यू क्रैक किए हैं आपकी सारी अटेंशन उधर जाएगी, बिकॉज आपको फाइनली जो भी मतलब आपके लिए जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे टाइप की जो बहुत सारे प्रॉवर्ब्स ये फ्रेजेस यूज कर लिए मैंने. एनीवे, सो फॉर यू द मैसेज इज फेस द रियलिटी, जो हमेशा दिखता है वो होता नहीं है, एक जो मिराज है उसके पीछे आप जाना बंद कीजिए, जो इल्यूशन है उसको साइड में रख के, जो इल्यूशन के पीछे जो है जो सच्चाई है, मास्क के पीछे जो मुखौटे के पीछे जो असली चेहरा है उसको देखने की आप प्लीज़ कोशिश कीजिए. हमेशा जो भी चकोचौंध के साथ आती है वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है. अभी आप ही को पता होगा ये कहाँ पे आपके लाइफ में फिट बैठती है, बट दिस इज़ एविडेंट कि कहीं ना कहीं पे आपकी ये नेचर है या फिर आप ये गलती कर रहे हैं. किसी हम लोग बहुत बार ये नेचर हमारे खुद की रहती है, बहुत बार हम लोग ये पिकअप करते हैं ऐसे नेचर, हमारे जो एसोसिएट्स रहते हैं, सोशल जो हमारे रिलेशनशिप्स रहते हैं वहाँ से भी हम लोग पिकअप करते हैं. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू चेक योर सेल्फ एंड आगे से जो भी रियलिटी है उसी को फेस करने की कोशिश कीजिएगा. Second message from the first pile, the power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. This is your card. Aaj shayad dekhne ko problem hoga. The power of Udi. Okay. Second message is, Baba ki agar aap devotee ho, to already aapko pata hai ki Udi ki kya mahatva hai. To aapke liye message ye hai, बाबा की उदी लीजिए एंड जो भी आपकी इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे हील्ड हो जाएंगे. अभी बाबा की उदी जब आप लोगे, बाबा की उदी की सेवन की एक नियम है, उदी को कभी भी सूखी सूखी नहीं ली जाती है. जब कभी भी आप उदी ले हमेशा याद रखिए उसको या तो पानी में घोल कर लेना है या तो फिर अगर आप एक चुटकी भर भी उदी जुबान पर रख रहे हो तो उसको एक घुट पानी के साथ ही लिया कीजिए. अगर आप पानी में मिला के लेते हो, वल्ला नहीं मिला के ले तो सिर्फ चुटकी भर लेना है. उदी आपको क्वांटिटी कम मिली है तो चुटकी भर भी आप रख सकते हो बाबा का नाम लेकर के, बट उसको एक घुट पानी के साथ जरूर लीजिएगा. थर्ड मैसेज, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन. क्या बात, फाइनली अ गुड कार्ड. एक्चुअली ऑल द कार्ड्स आर गुड, फाइनली अ हैप्पी कार्ड आई मस्ट से. ओके, सिंपल सा मैसेज है, सेलिब्रेशन टाइम है, मैं इसे दिखा देती हूँ. टाइम फॉर गुड न्यूज, बहुत सिंपल सा कार्ड है, जल्द ही कुछ गुड न्यूज आने वाली है. वो पूरी तरह से आपसे भी रिलेटेड हो सकती है या तो फिर आपके फैमिली से भी रिलेटेड हो सकते हैं. कोई ना कोई गुड न्यूज रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू अ न्यू जॉब, रिलेटेड टू अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू बॉर्न, कुछ भी हो सकता है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ हो सकता है, बट कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आने वाला है. सेलिब्रेशन टाइम है, कॉन्ग्रेचुलेशन. जस्ट ड्रिंक दिस बाय ओके. फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, थ्री सीज, कट क्लियर कैंसल, कट क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट. आई थिंक आप लोग ऐसे अच्छा देख पाएंगे. सो दिस इज योर कार्ड. जो भी आपके पास्ट मेमोरीज है, जिन्होंने भी सेकंड पाइल ड्रॉ किया है और इस सिलेक्ट किया है और इस कार्ड को ड्रॉ किया है, आपके लिए पहला मैसेज है, जो भी आपके पुराने जो भी मेमोरीज रही है, पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले उसको आप लोग कट क्लियर एंड क्लींस करें, क्योंकि ये आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसके ऊपर एक बहुत डेंस्ड इम्पैक्ट डाल रहे हैं. क्योंकि कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आप बार बार आपकी जो पिछले एक्सपीरियंस है उसके साथ अभी के जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसको आप जोड़ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, कोई भी फील्ड के एक्सपीरियंस हो,
सबसे पहले आपको पिछला जो है पास्ट जो आपकी एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज है उसको आपको फॉरएवर कंप्लीटली कट क्लियर एंड क्लेंस करनी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रिलेशनशिप इतना हर्टफुल रहा आपके लिए कि अभी आप ओपन अप नहीं हो सकते हो न्यू रिलेशनशिप के लिए। इवन इफ इट इज़ कमिंग योर वे, यू आर नॉट कम्प्लीटली रेडी टू ओपन अप योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट इट इन अ फुल फ्लेज्ड वे। तो अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये मैसेज बिल्कुल एप्लीकेबल है कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट मेमोरीज है, प्लीज़ उसको कट क्लेंस एंड क्लियर करें। और अगर आप पुराने ही रिलेशनशिप को जो अभी है नहीं या फिर होते हुए भी है नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ पे दो लोग साथ होते हैं सिर्फ बोलने के लिए साथ होते हैं लेकिन उस रिश्ते में कुछ भी लाइफ बाकी नहीं रह जाती है, अगर आप ऐसे कोई रिश्ते को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मैसेज ये है कि उसको वही जगह पे कट करें, क्लेंस करें एंड क्लियर कर दे। क्लिंग मत कीजिए उस रिलेशनशिप को, उस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करने की कोशिश मत कीजिए, इट वोंट गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट्स। सो prepare yourself for a better tomorrow, for a better relationship or for better career option, जो भी है जिस जगह पे भी आपके लाइफ में ये कार्ड रिलेट करता है या फिट इन करती है, तो खुद को एक नई दुनिया के लिए, एक नई जिंदगी के लिए जो कि अच्छा है उसके लिए खुद को रेडी कर लीजिए, बिकॉज यू आर फाइनली ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस, ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स टिल द टाइम यू आर क्लिंगिंग ऑन और होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और past memories. Second card from the second pile, law of attraction. Be like a magnet and attract what you want. This is your card. बहुत कॉमन एंड सिंपल सा कार्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी हर किसी को पता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, द वे वी थिंक, द वे वी एक्चुअली रन आवर थॉट प्रोसेस, द मैसेज दैट वी सेंड टू यूनिवर्स, That gets manifested and is finally delivered to us as a result. यानी कि जो हमारी thought process रहती है, जो हमारी सोच रहती है, जिस प्रकार की हम लोग सोचते हैं, जिस प्रकार के हम लोग भावनाएँ रखते हैं, वही भावनाओं के द्वारा हम लोग यूनिवर्स को कुछ मैसेज भेजते हैं जो अननोइंगली होते हैं। ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं जो एनर्जी फील्ड में ही हो जाती है। ये कम्युनिकेशन एनर्जेटिक कम्युनिकेशंस रहती है जो अननोइंगली होती है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो हम लोग वो मैसेज यूनिवर्स को सेंड करते हैं एंड उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स हम लोगों को उसी चीज़ को जो हम लोग थॉट्स के जरिए, जो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, उसी को मैनिफेस्ट करके, मैनिफेस्टेशन की मैं हिंदी शब्द अभी के अभी मुझको नहीं याद आ रहा है, मैनिफेस्ट यानी कि विश को पूरी करना जिसको बोलते हैं। तो हम लोग इन अ वे एक विश भेजते हैं थॉट के जरिए, यूनिवर्स उस हिसाब से ही लेते हैं। यूनिवर्स विल नेवर स्टॉप टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से इमोशन में कौन सा थॉट रिलीज कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ हमारे थॉट कौन सा रिलीज हो रहा है, यूनिवर्स सिर्फ उसी को देखते हैं। सो जो थॉट हम लोग भेजते हैं, मैसेज बनके जो पहुंचता है यूनिवर्स तक, उसी चीज़ को बाद में मैनिफेस्ट करके हमारे तक उसको रिजल्ट के बतौर परोसा जाता है। सो नाउ यू नो हाउ इट वर्क्स। इसीलिए आपके लिए मैसेज है, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। सो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर जो चीज़ आप चाहते हैं उसी चीज़ को, अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अगर आपको उसको आपकी ज़िंदगी में खींचनी है, अट्रैक्ट करनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव करना है। जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, फियर बेस्ड, जो भी लो फ्रिक्वेंसी, एंगो बेस्ड, फियर बेस्ड, और क्या क्या है, लस्ट बेस्ड, ये ऐसे टाइप के जो भी आपके थॉट्स हैं, उन सारे चीज़ों को आपके आपको क्लेंस करनी है, उसको रिप्लेस करनी है पॉजिटिव थॉट से। ये जो गॉसिपिंग है, बिचिंग है, जजिंग है, ये सारे चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको सिर्फ
आपको क्या चाहिए है उसके ऊपर आपको फोकस्ड रहनी है। जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं। अफर्मेशन आप रिटन भी कर सकते हैं, आप वर्बल अफर्मेशंस भी कर सकते हैं, मिरर अफर्मेशंस भी कर सकते हैं। रिटन अफर्मेशन में आपको जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, उसको आप लिख सकते हैं। मिरर अफर्मेशन आप करोगे तो आप आईने के सामने खड़े रहकर खुद को देखते हुए वो अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। अगर सिर्फ वर्बल अफर्मेशन करनी है, जैसे कि हम लोग जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उसी तरीके से आप लोग वो अफर्मेशन भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर सेकेंड मैसेज। थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। दिस इज योर कार्ड। ओके, थर्ड मैसेज आपके लिए ये है कि किसी की ज़िंदगी में रोशनी की किरण लाने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किए है तो ये पूरी तरह से एविडेंट है किसी ना किसी को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, और वो आपको ऑलरेडी शायद पता है या तो फिर आने वाले दिनों में आपको पता चलने वाला है। तो वो जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंसान ही हो, वो एक बेजुबान जानवर भी हो सकता है, एक चिड़िया भी हो सकते हैं, और इंसान भी ज़रूर हो सकते हैं। और इंसान भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कोई रिलेटिव या दोस्त ही हो, वो कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जो लोग स्ट्रीट ड्वेलर्स हैं वो भी हो सकते हैं। और अगर बेजुबान जानवर हो, इसका मतलब भी ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर में जो पेट्स है उसी से रिलेटेड हो, वो कोई जो स्ट्रीट ड्वेलिंग एनिमल है वो भी हो सकता है, आपके किसी दोस्त के घर का जो पेट है वो भी हो सकते, कोई भी हो सकता है, या तो फिर एक पौधा भी हो सकता है जिसको शायद कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, उसको थोड़ा सा पानी मिले तो शायद वो ज़िंदा हो जाए। तो किस तरीके से किसको आपकी मदद चाहिए वो जब टाइम आएगा आप ही को पता चलेगा, बट जब वो टाइम आए उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी के पल लाने के लिए बिल्कुल झिझकिएगा मत। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू बी द लाइट इन दैट पर्टिकुलर बींग्स लाइफ व्हेन इट्स टाइम एंड व्हेन द मैसेज इज डिलीवर्ड टू यू। ऑल द बेस्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, कार्मिक क्लेंजिंग। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। दिस इज योर कार्ड। ओके, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किए हैं और इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, अगर अभी आपको ऐसा फील होता है कि आप एक बहुत ही लो फेज में से गुजर रहे हैं, या फिर जो भी अभी के सिचुएशन आपके लाइफ में है वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आपको ये फेस करनी पड़ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये पल तो गुजर ही नहीं रहा है, पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, अगर ऐसी टाइप्स ऑफ थॉट्स आपको अभी आ रहे हैं या ऐसे टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आपको अभी आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये जान लीजिए कि वो आपके कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, एंड जितना अभी आप फेस कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा शायद आपको फेस करना था, शायद नहीं आपको फेस करना था, बट आपके मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स पूरी तरह से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ आपके कर्मास को क्लींस करने में लगे हुए हैं, इसीलिए उसका जो भी इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो जो स्पैन आपको बहुत लेंथी लग रहा है, बहुत स्ट्रेच्ड लग रहा है, वो एक्चुअल में जो आपकी एक्चुअल स्पैन होना चाहिए था, जितना आप जो आप डिज़र्व करते थे उससे कई ज़्यादा छोटा हो गया है, उसको कट कर दिया गया है। और इसके लिए रादर दैन नैगिंग और रादर दैन बीइंग कंप्लेनिंग, आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो मास्टर्स है, आपके एंजल्स, एंजल्स या गार्डियन एंजल्स है, उन लोगों को आप थैंक यू कह सकते हैं, आप ग्रेटफुल रह सकते हैं, एंड पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि ये पल भी जल्द ही गुजर जाएगा। जैसे ही आपकी जो कर्म है, जो भी आपने कर्म किया है, अब सिर्फ इस जन्म का ही नहीं रहता है, पिछले जन्म के भी हमारे जो भी कार्मिक डेट्स है वो हम लोग कैरी करते हैं, हमारे साथ बैगेजेस कैरी करते हैं, तो टाइम लग जाती है क्लेंजिंग में। और अगर आप स्पेशली बाबा के डिवोटी है तो शायद आपको पता होगा कि बाबा जो भी डिवोटीज है बाबा के, एक बहुत प्रचलित कथाएं हैं कि बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, या फिर बाबा ऑलमोस्ट ऐसे कर देते हैं कि आपको आईसीयू तक एडमिट करा देगा, ऑक्सीजन मास्क भी चढ़ा देगा, एंड डॉक्टर जवाब भी दे चुके रहेंगे लेकिन उधर से आपको उठा के लेके आ जाएंगे, बचा के लेके आ जाएंगे। सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, हाँ होती ज़रूर है, बाबा के बाबा जितना प्यार करते हैं उतना स्ट्रिक्ट भी है,
और ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी कार्मिक क्लेंजिंग होती है, बाबा के पास जब हम लोग आते हैं, बाबा के शरण में जब हम लोग आते हैं, तो हमारी जो इतना बड़ा जो लिस्ट रहता है कर्म का, उसको बहुत जल्द बाबा क्लेंज कर देते हैं। जो हमारे माइंड में जो चेंजेस आते हैं, थॉट्स में जो चेंजेस आते हैं, हैबिट्स में जो चेंजेस आते हैं, उसके ज़रिए भी हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमारे क्लेंजिंग हो जाती है। सो बॉटम लाइन इज, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी पीरियड हो रहा है, तो ये आपकी कार्मिक क्लेंजिंग है। एंड एक्चुअल में ये बहुत कम पीरियड है जो आप फेस कर रहे हैं। ग्रेसफुली उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए एंड ग्रेटफुल रहिए। अगर आप बाबा के डिवोटी हैं, तो बाबा के प्रति या दूसरे कोई भी डीटी को आप मानते हैं, उनके प्रति, मास्टर्स, आपके एंजल्स, एंजल्स या गार्डियन एंजल्स, सबके प्रति। सेकंड कार्ड, हाउ मच इट रिलेट्स, डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू। सी, इट कंप्लीटली रिलेट्स विद द फर्स्ट कार्ड, डिवाइन टाइमिंग। तो जब वो घड़ी आएगा, बहुत सिंपल मैसेज है, जैसे कि लास्ट कार्ड में मैंने कहा कि जैसे वो टाइम आएगा, जैसे आपकी वो कर्म की जो भी है, लाइक लिस्ट जो है, वो जैसे ही वो क्लेंजिंग खत्म हो जाएगी, ये जो फेज़ है वो भी निकल जाएगा। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग टू अराइव। ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा ज़िंदगी चलने वाला है आपकी, तो प्लीज़ वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड ग्रेसफुली वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपको पता रहता है कि दैट समवन इज़ होल्डिंग योर बैक, एंड इफ इट इज़ बाबा या फिर जिन भी डेटी को आप मानते हो या एंजल्स, आर्कएंजल्स को आप मानते हो, अगर वो आपके साथ है, तो आपको तो किसी भी प्रकार की टेंशन आने की, मतलब कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़रूर है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशनल बीइंग्स हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। और इसीलिए ही तो रीडिंग्स है, डिवाइनेशन मेथड्स इसीलिए तो है, ताकि हम लोगों को वो सहारा मिले, वो सपोर्ट मिले, दैट वी आर नॉट अलोन, समबडी इज होल्डिंग आवर बैक। सो प्लीज़ ग्रेसफुली वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। ओके, वंस अगेन इट रिलेट्स, द थर्ड कार्ड सेज चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंजेस इनएविटेबल। सी, बहुत अच्छी तरह से रिलेट करते हैं तीनों के तीनों कार्ड। सो व्हाट आई फील इज, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस जो भी फेज में से आप लोग गुजर रहे हैं, और शायद आप लोग मानने के लिए राजी नहीं है कि ये पल भी गुजर जाएगा या निकल जाएगा, या फिर आप लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं कि ये पल बस निकल ही जाना चाहिए। इसीलिए इतना डिस्टिंक्ट, इतना क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मुझे पता नहीं रहता है कौन सा कार्ड कहाँ पे है, मैं बस शफल करके स्प्रेड कर लेती हूँ, तीन पाइल में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये एकदम ऑथेंटिक है, एकदम टू द पॉइंट आपको मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किए हैं, कि चेंज इज़ इनएविटेबल एंड एज द सेइंग गोज, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। सो अगर आज जो भी फेज में से आप गुजर रहे हो, आप उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सफ़ोकेट फील कर रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। जैसे ही आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी, आपकी कर्मिक क्लेंजिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, वो डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगा, और डिवाइन टाइमिंग आएगा मतलब वो चेंज भी ज़रूर आएंगे, अच्छे पल भी ज़रूर आएंगे। ओके, सो फाइनली वी आर डन विद द थ्री पाइल ऑफ कार्ड्स। नाउ टाइम फॉर अदर कार्ड्स। ओके, आज सारे कार्ड्स विजिबल है आई थिंक, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा जो फ्रंट साइड है कार्ड की, वो दिखाने में। लास्ट टाइम से आई विल टेक केयर ऑफ, आई मीन नेक्स्ट टाइम से आई टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। ओके, सो कार्ड नंबर वन के ऊपर मैंने एक क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल रखे हैं, कार्ड नंबर टू के ऊपर मैंने एक रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रखे हैं, कार्ड नंबर थ्री के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट के क्रिस्टल रखे हुए हैं। सो इफ यू हैव ऑलरेडी सेट योर क्वेश्चन, देन क्लेंज इट अप, बिकॉज आज येस नो कार्ड्स नहीं है, तो आज एक रैंडम रीडिंग ही है, और जो भी मैसेज आप सेलेक्ट करोगे वो आपके हाइस्ट गुड के लिए ही होगा। सो वंस अगेन, इफ यू फील लाइक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड फील द रेजोनेंस, कौन से वाले कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर ड्रॉन फील कर रहे हैं। देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग, मैं शुरू कर रही हूँ।
जिन्होंने भी पहला कार्ड यानी कि कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, एंजॉय रिलैक्सेशन एक्टिविटीज दैट नर्चर योर सोल. दिस इज द मैसेज फॉर यू. आई जस्ट होप दिस इज विजिबल. ओके, ये फ्लावर डेक्स है. ये मैं बताना भूल गई थी, मैं कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ये कार्ड्स, दीज कार्ड्स ब्रिंग्स द फ्लावर एनर्जी विद देम. तो ये फ्लावर डेक है एंड फ्लावर डेक में से जो फ्लावर एनर्जी रहती है, फ्लावर एनर्जी में पार्शियली आपको फेरी एनर्जीज भी मिलती है. तो आपके लिए फेरी रेल से जो मैसेज है या फिर फ्लावर की एनर्जी से जो मैसेज है वो है, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, एंजॉय रिलैक्सेशन एक्टिविटीज दैट नर्चर योर सोल. इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को पुश कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, फिजिकल लेबर हो या मेंटल कोई लेबर हो, लाइक आप मेंटली बहुत ज़्यादा खुद को ऑक्यूपाइड रख रहे हैं या फिर आप फिजिकली खुद को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पुश कर रहे हैं खुद को, शायद वो काम के लिए हो या बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है. अगर मेंटल इश्यूज है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकती है, रिलेशनशिप या फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रेस हो सकती है, फिनांस ओरिएंटेड स्ट्रेस हो सकती है, या फिर कोई भी जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, जो भी मैंने अभी मेंशन किया है, उसको मीटअप करने के लिए आप बहुत ज़्यादा फिजिकल जो आपकी लेबर रहती है, फिजिकल जो क्या बोलूँ मैं उसको, आप बहुत ज़्यादा ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या फिर आप खुद को काम में बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, कोई भी एक एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आप जो भी आपके लिमिट्स है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो आप वो ना करें. आपके लिए मैसेज यही है, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, वो मी टाइम या मी स्पेस प्लीज़ निकालिए. कोई भी ऐसी रिलैक्सेशन एक्टिविटी भी कीजिए जो आपके सोल को नर्चर करता है. अभी उसके लिए किसी को भी म्यूज़िक पसंद है, कोई भी क्रिएटिव काम जो होता है जो आपको अच्छी तरह से आती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांसिंग हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए. अगर आप नेचर लवर हैं तो सबसे अच्छी चीज़ खुद को क्लेंस करने की, खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाल के नेचर में निकल जाइए. अगर आप एक बिजी सिटी में रहते हैं जहाँ पे नेचर ज़्यादा दिखता नहीं है, तो कोई एक गार्डन में चले जाइए. पार्क्स होते हैं सिटीज़ में जहाँ पे भी पेड़ पौधे ज़्यादा है, ऐसी जगह पे जाके कुछ पल क्वाइटली बिताने की कोशिश कीजिए और आपको वो फील होगा कि आप यू आर बैक टू द न्यूट्रल स्टेट. आप फिर से जो भी आपके स्ट्रेस है वो सारे क्लेंस्ड हो जाएंगे और आपको वो एनर्जी खुद में, वो चेंज्ड, वो शिफ्ट एनर्जी में आपको नज़र आएगा. इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्स करती है, अगर आपको स्पा जाना है स्पा चले जाइए. अगर ये सारी चीज़ें जो भी एक्सटर्नल जो रिलैक्सेशन देती है, अगर वो भी आपके लिए काम करता है तो वो भी आप कर सकते हैं. जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है, स्माइल, simply smile and notice the profound and healing difference it makes. Wow, this is your card. Okay, जिन्होंने भी second card select किए हैं, करके देखिए, सच में it works wonders. Trust me on this. आप करके देखिए, कभी भी कुछ भी स्ट्रेस आती है, कुछ भी ऐसा सैड फील होता है या वरीड अप फील होते हो, बहुत मुश्किल रहेगी इनिशियली करना ये चीज़, लेकिन एक बार आप कर पाए ना तो आगे की रिजल्ट्स शायद आप आके इधर बताओगे. अगर आपको ठीक लगा तो आप कमेंट्स में शेयर करोगे और मैं बहुत खुश होंगी अगर आप कमेंट्स में शेयर किए तो. और अगर आप कमेंट्स में शेयर नहीं भी करते हो तो खुद को आप ये कह पाओगे, हाँ सच दिस वर्क्स, सच में दिस वर्क्स. सो जब कभी भी कोई भी ऐसा इशू होता है तो खुद को देख के स्माइल किया कीजिए, और जब आपके लाइफ में कुछ ऐसे इशू नहीं होते हैं तभी भी स्माइल कीजिए, खुद को देख के भी स्माइल कीजिए. जब आप मिरर में खुद को देखोगे तभी भी आप खुद को देख के फुल अफेक्शन के साथ स्माइल कीजिए. कोई भी इंसान से आप मिलते हो रास्ते पे स्माइल कीजिए, कोई भी डॉग्स या कैट्स या किसी भी बटरफ्लाई फ्लावर किसी से भी नेचर से मिलते हो तो स्माइल कीजिए. स्माइल कितना ज़्यादा हीलिंग रहती है, ये कितना बड़ा मेडिसिन है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये मेडिसिन को यूज़ करोगे. सो Your message was smile. Third card from the
सॉरी थर्ड मैसेज फ्रॉम द थर्ड कार्ड. साइन फ्रॉम हेवन. Your loved ones in spirit are waving hello and giving you reassurance that you will be all right. What a beautiful card to end with. This is your card. I feel आप लोगों को दिख रहा है, it's visible. मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, पता नहीं अभी. See if it is visible. Okay, जिन्होंने भी third card select किए हैं, बहुत ही प्यारा सा card है. आपके जो भी लव्ड वंस अदर साइड में हैं, जो कि ब्रिज के दूसरे साइड में है, ब्रिज यानी कि जो रेनबो ब्रिज है, जो दूसरे रेल में है, जो स्पिरिट रेल में है, वो लोग आप लोगों को ये कार्ड के ज़रिए एक साइन भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं, आप लोगों को रीअश्योर कर रहे हैं, आप लोगों को हेलो कह रहे हैं और रीअश्योर कर रहे हैं कि कुछ भी है, अगर अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी चल रहा है, तो वो सारे के सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगे. और आप लोग कभी भी खुद को अकेला मत समझिए. जो भी आपके लव्ड आपको ये जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किए हैं, आप ही रिलेट कर पाओगे कि आपके कौन से लव्ड वंस ने आपके लिए मैसेज सेंड किया है, क्योंकि ये एनर्जी है. फाइनली जिन्होंने भी आपके लिए मैसेज सेंड किया है, उनकी एनर्जी आप पूरी तरह से फील कर पाओगे, उनकी मैसेज आप पूरी तरह से रिसीव कर पाओगे कि आप अकेले नहीं हो. आपके लिए यही मैसेज है कि अगर आप कहीं पे जाके आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी चीज़ें अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, या फिर पता नहीं आगे कैसे क्या होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ है विच इज़ डूइंग यू अ कंसर्न, जो आपको चिंतित कर रहा है, तो आपके जो लव्ड वंस है जो दूसरे रेल में है, जो स्पिरिट रेल में है, दूसरे साइड में, वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंतित ना होइए, वो लोग भी वहाँ पे ठीक है एंड आपके भी लाइफ में आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होंगे. सो फाइनली वी आर डन विथ ऑल द कार्ड्स. अभी आपकी बारी है. आप लोगों को अगर सच में ये अच्छा लगा है कार्ड रीडिंग सेशन, अगर आप लोग रेजोनेट कर पाए हैं, प्लीज़ लाइक बटन को हिट ज़रूर कीजिएगा. एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू इट दिस टाइम. प्लीज़ डू रिमेंबर टू डू इट दिस टाइम. एंड इफ़ यू हैव नॉट टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, अगर नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन नहीं किए हैं आप लोगों ने, प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं कुछ भी नया अपलोड करूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, मैजिक स्पेल्स, स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल्स, विचक्राफ्ट और अदर टेक्स, वो आप तक पहुँच जाए विदाउट एनी हैसल, यानी कि बिना कोई दुविधा के वो आप तक पहुँच जाए. और जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट कीप्स मी गोइंग. मेरे बिजनेस शेड्यूल में इससे मैं टाइम निकाल के आती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. सो माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. और हाँ जी, आप लोगों को अगर कोई सजेशन और एडवाइस है, मेक श्योर इट्स अ हेल्थी वन. जैसे कि आज का भी एक रिक्वेस्ट था, सजेशन था, जो कि मैंने नोट किए थे एंड आई वर्कड ऑन इट. सो ऐसा कोई हेल्दी सजेशन या एडवाइस अगर है मेरे लिए, तो आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. कोई क्वेरीज है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ऑफ कोर्स इट शुड रिलेट टू माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, लाइक विचक्राफ्ट, मैजिक स्पेल्स, रिचुअल्स और अदर कार्ड रीडिंग्स और स्पिरिचुअलिटी, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और इफ़ यू फील दैट इफ़ योर क्वेरी इज़ वेरी वेरी पर्सनल, अगर आपकी क्वेरी आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल लगते हैं, तो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम में भी इनबॉक्स कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम के आईडी आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाते हैं. और आप लोगों को अगर सच में बहुत ज़्यादा क्वेस्ट है विचक्राफ्ट या स्पिरिचुअलिटी या स्पेल्स और रिचुअल्स को लेकर के, तो आप लोग अगर चाहो तो मुझको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज जो भी लाइव रीडिंग्स वगैरह रहते हैं वो मैं इंस्टाग्राम में ही कर पाती हूँ. यूट्यूब में मेरे इतने सब्सक्राइबर्स अभी तक है नहीं जो मैं लाइव आ सकूँ यूट्यूब में. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, एंड आई जी आई प्रॉमिस टू कम बैक सून अगेन. और हर गुरुवार तो मैं, हर थर्सडे को तो मैं हाजिर रहती हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड बाबा और 3 एक्स्ट्रा कार्ड के साथ. वापस आ जाऊँगी नेक्स्ट थर्सडे भी. तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.